इजराइल और लेबनान के बीच में तीसरी जंग शुरू हो गई है। 2006 के बाद इजराइल ने लेबनान की जमीन पर सबसे बड़ा हमला किया है। जब तक 150 रॉकेट की गूंज दुनिया में सुनाई देती, तब तक इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर 18 साल का अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया। साउथ लेबनान में एक साथ कई जगहों को टारगेट किया। हमले के बाद सिर्फ और सिर्फ धुएं का बादल नजर आया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पहले ही कह दिया था कि उत्तरी इलाके में अपने लोगों को बसाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। शायद इसी के बाद इजरायल ने हद पार कर दी। साउथ लेबनान में यातेर बिंत जबेल इलाकों में हवाई हमले किए गए। इजरायल के ये हमले इसलिए हुए क्योंकि रविवार रात हिजबुल्ला ने नॉर्थ इजरायल पर इतना बारूद बरसाया कि पहली बार इजरायल को भी मानना पड़ा कि हिजबुल्ला के रॉकेट उसके इलाकों पर गिरे हैं। रॉकेट कैसे छोड़े गए, इसका वीडियो जारी किया गया। इसके बाद नॉर्थ इजरायल के जजेरेल घाटी में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन के 4 राउंड दागे गए। हाइफा रमत डेविड हवाई अड्डे, नाजरेत, हफूला, निचली गलील और यजिल्ला घाटी के आसपास अलर्ट जारी हुए। नाजरेत वो शहर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हिजबुल्ला ने हमले करके अपने कमांडर की हत्या का बदला लिया। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर हिजबुल्ला काउंटर अटैक करेगा तो जंग रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच ईरान ने कहा कि हमें जंग में कूदने के लिए विवश कर रहा है इजरायल। वार पलटवार के बीच इजरायल और हिजबुल्ला ने बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। इजरायल ने अपने लोगों को अंडरग्राउंड अस्पतालों में भेजना शुरू किया। हालांकि हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले से ठीक पहले इजरायल की तरफ से कुछ एनिमेशन ग्राफिक्स दिखाए गए। इजरायली सेना ने बाकायदा इसे लेकर मीडिया में वीडियो शेयर किए। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्ला के लड़ाके लोगों के घरों के अंदर से मिसाइल अटैक कर रहे हैं और उन्होंने सिविलियंस की आड़ में अपनी मिसाइल और रॉकेट्स छिपाए हुए हैं। इसीलिए लोगों से कहा था कि जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें। इसके बाद DR-3 क्रूज मिसाइल का वीडियो जारी किया। इजरायल ने दावा किया कि घर को ही लॉन्च पैड बनाया हुआ था। ये मिसाइल उत्तरी इजरायल की तरफ दागी जानी थी। इसके साथ मिसाइल के हैंडलर भी मौजूद थे, लेकिन जब तक मिसाइल दागी जाती उससे पहले ही हवाई अटैक में इसे बर्बाद कर दिया गया। इजरायल की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्ला के 300 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए। हिजबुल्ला ने भी जवाब दिया, हम इजरायल को वहां खत्म करेंगे जहां उसने सोचा नहीं होगा। अमेरिका भी इजरायल के नरसंहार में शामिल है। इजरायल को ये वीडियो इसलिए जारी करने पड़े क्योंकि हिजबुल्ला ने भी अपनी मिसाइल पावर को लेकर एक नई तस्वीर जारी की थी और इसके बाद सोमवार को रॉकेट हमले की नई किस्त रिलीज कर दी। बताया गया कि दर्जनों रॉकेट नॉर्थ इजरायल की तरफ टारगेट किए गए। इधर हिजबुल्ला पर पिछले हफ्ते हुए पेजर अटैक के बाद ईरान ने सबक लिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सैनिकों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर बैन लगा दिया। इसराइल के भीषण हमले ने लेबनान में पैनिक सिचुएशन पैदा कर दी। आनन फानन में लोग अपने घरों से बेरूत की तरफ भागते नजर आए। क्या इसराइल ने लेबनान में एक और गाजा बना दिया? क्या गाजा की तरह लोग लेबनान में भी बेघर हो जाएंगे? क्या दिन रात इसी तरह बारूद बरसता रहेगा? शवों की संख्या हजारों में हो जाएगी। सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे ही इजरायल के फाइटर जेट्स ने बम दागे, सिदोन में बैक टू बैक एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया, साउथ लेबनान में लोगों ने अपना घर बार छोड़ना शुरू कर दिया। हजारों लोग देखते ही देखते सड़कों पर आ गए। बेरूत की तरफ जाने वाली सड़क और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जिसे जो मिला वो वही लेकर चल दिया। बच्चों को कार में बिठाया, डिग्गी में सामान रखा और बारूद से बचने के लिए निकल पड़े। यही हाल गाजा में भी हुआ था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जिन घरों पर हमला किया वहाँ हिजबुल्ला के हथियार छिपे थे, इसलिए लोगों को घर छोड़ने को कहा था। इन बातों को लेकर लेबनान अथॉरिटी ने कंफर्म किया, कहा इसराइल की तरफ से कम 80,000 कॉल्स ट्रेस हुए जिनमें वो लोगों से घर छोड़ने का दबाव बना रहे थे। इसराइल ने कहा हमारा सब्र जवाब देने लगा है। लेबनान ने इसे इसराइल का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करार दिया। लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसराइल का ये हमला नरसंहार है। क्या गाजा वॉर में हमास को एक और बड़ा झटका लगा है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायल के लेटेस्ट अटैक में हमास का नया चीफ याया सिनवार भी मारा गया। गाजा में बारूदी विस्फोट के बीच टाइम्स ऑफ इजरायल और न्यूयॉर्क पोस्ट की हेडलाइन नेतन्याहू समेत ईरान के बाकी मुल्कों को सरप्राइज दे गई। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि हमास का नया चीफ याया सिनवार काफी वक्त से किसी के संपर्क में नहीं है, आउट ऑफ टच है। इसलिए इजरायल डिफेंस एजेंसियां अब इस बात के सबूत तलाश रही है कि याया सिनवार जिंदा है भी या नहीं। याया सिनवार को लेकर कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर हारेज, मारीव और वाला न्यूज साइट्स ने कई रिपोर्ट जारी की। दावा किया गया कि इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि गाजा अटैक में सिनवार मारा गया, लेकिन इजरायल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट ने दावा किया कि याया सिनवार की मौत के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि यह सिनवार गाजा की सुरंगों में अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है और उसी के कहने पर हमास ने इसराइल से सीजफायर का नया समझौता रद्द किया। इसराइल पर पिछले साल हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को ही माना जाता है। यूक्रेन से भीषण युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग फेल हो गई है। 21 सितंबर को रूस ने अर्खानजस्क में RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट किया था। रूस ने टेस्ट के नतीजे तो नहीं बताए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मिसाइल का परीक्षण नाकाम रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में टेस्टिंग वाली जगह पर भीषण गड्ढा नजर आ रहा है। रूस की RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। मिसाइल एक साथ 10 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का कुल वजन 200 टन से ज्यादा है, जिसमें 178 टन तो सिर्फ फ्यूल होता है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने रूस के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल को शैतान नाम दिया है। रूस ने सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पहली बार 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया था। बताया जाता है कि यह चौथी बार है जब बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग फेल हुई है। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। अमेरिका पहुँच के कहा अगले कुछ महीने निर्णायक साबित होंगे। जिस वक्त जेलेंस्की पेंसिल्वेनिया में हथियार की फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे, पुतिन की आर्मी पर बरसने वाले गोले बारूद, उस दौरान रूस की मिसाइलें और टैंक्स यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कहर बरपा रहे थे। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस ने ज़ापोरिज्या न्यूक्लियर प्लांट के बाद अटैक किया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि रूस का कहना है कि उसने एक बार फिर कुर्स्क, डोनेत्स्क समेत अलग इलाकों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन वॉर को लेकर यूरोप की लाइन क्लियर है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कह दिया कि रूस के साथ रिश्तों पर दोबारा से गौर करना होगा। वहीं नीदरलैंड ने कहा कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रडार दिया जा चुका है। इसके अलावा यूक्रेन को 3 लॉन्चर्स और दिए जाएंगे। लेकिन कुर्स्क को लेकर यूक्रेन और यूरोप दोनों खामोश है। वहीं रूस लगातार कह रहा है कि 6 अगस्त के बाद से अभी तक यूक्रेनी सेना को सबसे ज्यादा वही चोटें पहुंचाई। उसके 16,400 सैनिक मार गिराए, 120 से ज्यादा टैंकर्स बर्बाद कर दिए गए। इस बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया। कहा रूस के परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से आया बुलावा। सवाल ये कि क्या जाकिर नाइक के बहाने पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें बताया है कि वो और उसका बेटा फारिक नाइक पाकिस्तान जाएंगे। जाकिर का दौरा 5 अक्टूबर को कराची से शुरू होगा और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खत्म होगा। जाकिर नाइक भारत में एक वांछित भगोड़ा है, जो 2016 से मलेशिया में रह रहा है। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने को लेकर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। जाकिर नाइक ऐसे वक्त में पाकिस्तान जा रहा है जब उसने कुछ दिन पहले ही वक्फ बिल को लेकर भारत में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी। कराची में जाकिर नाइक का कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना की समाधि के सामने स्थित बागे कायद में होगा।